हेलो एवरीवन माय नेम इज सीमा और आज अपन पढ़ने वाले एक नया टॉपिक बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चलो आज करते हैं बॉम्बे ब्लड की शुरुआत देखो बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप है ना वो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है अपने पॉपुलेशन के अंदर ठीक है बेसिकली अपने ब्लड ग्रुप्स होते हैं वही ए बी ए बी ओ ठीक ओर आर एच के फैक्टर के अकॉर्डिंग ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ठीक है ये आठ टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं बेसिकली जो अपन पढ़ते हैं बाकी जितने भी हैं रेयरेस्ट होते हैं आजकल एक और ब्लड ग्रुप पढ़ने में

रेड सेल है और इसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं है? है? अब देखो जो अपने एंटीजन बनते हैं वो जीन से बनते हैं अभी एच एंटीजन कहां से बनेगा एच जीन अपने जीन्स के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है एच जीन जहां से ये एच एंटीजन बनते हैं अब रेड सेल है चलो सुंदर बना देता है ठीक है ये अपनी सेल है और उसके ऊपर प्रेजेंट है, है एच एंटीजन। एंटीजन अब देखो ये एंटीजन ही आगे क्या करता है ए और बी एंटीजन बनाता है क्या बनाता है सेल के ऊपर ए और बी एंटीजन बनाता है ए एंटीजन बनाया एंड बी एंटीजन बनाया वैसे डी एंटीजन ठीक है बट अभी बेसिकली अपन अपने एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इन्हीं दोनों के तो मतलब ब्लड ग्रुप कैसे देते हैं कि ब्लड ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पे क्या करते हैं अपन ब्लड ग्रुप क्या करते हैं जो रेड सेल है उसके ऊपर एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पे अपन देते हैं ब्लड ग्रुप क्या करते हैं कि रेड सेल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होने के ऊपर देते हैं अपन ब्लड ग्रुप जैसे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी और अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है सॉरी प्रेजेंट नहीं है तो उसको देते हैं ओ वैसे ओ का मतलब यहाँ पे जीरो है बट अपन लिखते हैं ओ ठीक है ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं अपने अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ से आया ठीक है इसका क्या एंटीजन है तो वही अपन बात करते हैं देखो समझो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये देखो अपने एंटीजन कहां से बने ध्यान रखो हमेशा एंटीजन कहां से बने एच एंटीजन से ठीक है अब सोचो ये एच जो जीन बना रहा है ये जो जीन एंटीजन बना रहा है ना यही क्या हो जाए इसी की इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है अपन को कोई चीज विरासत में मिलना ठीक है इनहेरिटेंस का मतलब है कोई भी चीज विरासत में मिलना अगर ये एंटीजन ही कम ये जीन ही नहीं हो सोचो कि अगर ये जीन ही नहीं होगा तो एच एंटीजन नहीं बनेगा ठीक है अगर ये जीन नहीं होगा तो एच एंटीजन नहीं बनेगा और ये एंटीजन नहीं बना तो इनका तो सवाल ही नहीं है ठीक है अगर ये दो, ये नहीं जीन ही नहीं है अपना जो H. Antigen को बना रहा है, वो जीन ही है, वो प्रेजेंट नहीं तो ये एंटीजन भी नहीं बनेगा और ये नहीं बना तो इन दोनों का तो कतई सवाल नहीं है बनने का ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे फिर कंप्लीट एब्सेंस हो जाएगी अपने एंटीजन की इसीलिए कहते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे भी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ठीक है आप कहोगे ओ को इसीलिए तो बोला कि कि यहाँ पे भी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ध्यान रखो कि मैंने बताया है पहले भी बताया था जब ब्लड ग्रुप पढ़ा था कि यहाँ पे एंटीजन भारी मात्रा में बना है यहाँ पे एच एंटीजन तो प्रेजेंट है एच से ही तो ए और नहीं बना ठीक है इसी एच से तो ए और बी एंटीजन नहीं बने बाकी तो एच एंटीजन तो प्रेजेंट है ओ एच अपना जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें तो ये जीन ही नहीं है ये जीन ही ना है तो ये कैसे बनेगा ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या है ना एच एंटीजन ही नहीं है तो जी आ, आगे एंटीजन बनने का तो सवाल ही नहीं है ठीक है यहाँ तक समझ आ गया अब देखो इसकी थ्योरी देखते हैं कि कैसे होता है ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो नाम से पता चल रहा है सबको बॉम्बे ठीक है सबसे पहले क्या है बॉम्बे का मतलब क्या है मुंबई अभी जिसको मुंबई बोलते हैं पहले उसको बॉम्बे बोलते थे ठीक है तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर करा गया था बॉम्बे में या कहते अभी वर्तमान में जो मुंबई है उसमें डिस्कवर करा था बाई डॉक्टर भिंडे ये डॉक्टर भिंडे ने डिस्कवर करा था ठीक है भिंडी मत बोलना भिंडे है कभी पता चले भिंडे का भिंडी कर दो ठीक है डॉक्टर भिंडे ने डिस्कवर करा था 1952 के अंदर ठीक है किस में करा था 1952 के अंदर ये क्या करा गया था डिस्कवर करा गया था बाय डॉक्टर भिंडे के द्वारा ठीक है अब देखो अगर इसका जीनोटाइप की बात करें तो इसके जींस पे या तो हां एक और चीज है कि आप जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको एच ब्लड ग्रुप बी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं एच एच ब्लड ग्रुप बी कहते हैं अब देखो इसका जीनो की बात करते हैं कि या तो इसके ऊपर क्या होगा दोनों जीन ही प्रेजेंट नहीं है या फिर ए, एक जीन प्रेजेंट है तो अब ये होता इसका है इसका जीनोटाइप ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अब ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसका भी रिपोर्ट क्या है ठीक है अभी तक कितना पॉपुलेशन में पाया गया कितना पॉपुलेशन में नहीं है तो देखो यहाँ पे कि ओनली 0.004% पीपल आर फाउंड मतलब अभी तक 0.004% ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक इतने से केसेस अपन को मिले हैं इतने से परसेंट लोगों के अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है ठीक है अब देखो अपनी भारत की बात करते हैं इंडिया नहीं अभी अपनी इंडिया का नाम बदल के क्या दे दिया है भारत तो सभी बोलना भारत ठीक है तो देखो अभी अपन बात करें तो टोटल वन 179 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं अपने भारत के अंदर क्या हुए हैं 179 केसेस अभी तक इतने है. अब देखो बात करते हैं कि 10 कितने लोगों में प्रेजेंट है तो कहें कि दस हजार लोगों के ऊपर एक पर्सन में बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ठीक है कितना अभी तक का जो डेटा है कलेक्ट करा है उसके बेस पे बताया गया है दस हजार लोगों के ऊपर एक पर्सन में बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है तो मैंने कहा कि भारत के अंदर वन परसन किसके ऊपर दस हजार लोगों के ऊपर एक में क्या होता है अपना बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ठीक है आई होप कि ये सब समझ आ गया हो कि डेटा कैसे कैसे है अभी तक जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर परसेंट ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप पॉपुलेशन के अंदर पाया गया है और अपने भारत की बात करें तो वन सेवेंटी नाइन केसेज अभी तक रिपोर्ट कर लिए गए हैं ठीक है हम देखो नेक्स्ट देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि सम पर्सन डू नॉट इनहेरिट द एच जी मैंने जो बताया था अभी कि कुछ लोगों के अंदर ये इनहेरिट होता है क्या एच जी इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में मिलना और विरासत में मिलने को क्या बोलते हैं फिर मेडिकल में क्या बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? ठीक है? है? है तो देखो पे क्या है? लिखा है मैंने कि विरासत में मिल ही नहीं रहा ये जो जीन है ये वाला जो सबको बनाने का काम कर रहा है यही क्या नहीं है कुछ लोगों के अंदर बना ही नहीं है उनको मिला ही नहीं है अपने माता पिता से तो क्या होगा आगे देखो ठीक है

सवाल ही नहीं है तो रेड सेल क्या है अभी कंप्लीटली एब्सेंस विद एंटीजेंस ठीक है अब देखो आगे ठीक है अब देखो आ, मतलब अगर किसी के अंदर एंटीजन कंप्लीट एब्सेंस है बट उसके अंदर एंटीबॉडी तो है ठीक है उसके अंदर क्या है यहाँ पे एंटीबॉडी तो देखो सच पर्सन आर कंप्लीटली लैक With anti कुछ पर्सन ऐसे जिनके अंदर अपने एंटीजन से कंप्लीटली क्या है ले क्या एप्सेंस है देखो हमेशा ये चीज पता है कि जो एंटीजेंस होते हैं वो रेड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हो, और जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा कहा प्रेजेंट होती है सीरम में कहा प्रेजेंट होती है सीरम के अंदर ठीक है तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कुछ पर्सन के अंदर कम्प्लीटली लैक है रेड सेल के ऊपर एंटीजन्स का लेकिन उनके सीरम में एंटी ए एंटी बी और एंटी एच तो पाई जाती हैं ठीक है यहाँ तक सबको समझ आया ओके तो आगे देखो अभी क्या होगा एक चीज हाँ एक चीज ध्यान रखना अब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है ठीक है कोई भी एंटीजन नहीं है तो ध्यान रखना जिस पर्सन का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ठीक है वो क्या कर सकता है सिस्टम के जो सिंट है सबको ब्लड दे सकता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो वो एबीओ के जितने भी है ना उन सबको ब्लड दे सकता है क्यों क्योंकि उसकी रेड सेल पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं लेकिन ले नहीं, सकता।, नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता कोई बता सकता है सभी कमेंट करो और बताओ कि ले क्यों नहीं सकता ठीक है क्यों नहीं ले सकता ठीक है ये लाइन पढ़ता है फिर बताता है कि क्यों नहीं ले सकता देखो ड्यू टू एब ऑफ एंटीजेंस यहाँ पे देखो कि ड्यू टू एबेंस ऑफ एंटीजन दीपल्स है मतलब जिनके अंदर अपना एब्सेंस है एंटीजेंस वो क्या कर सकते हैं कैन डोनेट दियर सेल उनको वॉश करके अपन क्या कर सकते हैं वॉश करके क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं टू एनी मेंबर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के एनी मेंबर को अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं बट दे कांट रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी मेंबर ऑफ एबीओ सिस्टम अपन क्या नहीं कर सकते रिसीव नहीं कर सकते किसी भी एबीओ मेंबर से ब्लड क्यों नहीं कर सकते ये सवाल है सबसे बड़ा क्यों नहीं कर सकते अरे भाई एंटीजन नहीं है एंटीबॉडी तो तीनों है अपने सिरम के अंदर क्या प्रेजेंट है तीनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है मान लो मैं मेरा ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप ठीक है वैसे है नहीं बट बता रही हूँ कि है, है मान लो ठीक है मानना अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ए, मैं सबको दे सकती हूँ क्योंकि मेरी रेड सेल के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन मैं ले किसी से नहीं सकती क्योंकि मेरे सिरम के अंदर एंटी ए एंटी बी और एंटी एच तीनों प्रेजेंट है जैसे मैंने लिया ए ब्लड ग्रुप वाले से ठीक है तो उसकी रेड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ए और मेरे सिरम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है एंटी ए भाई रिएक्ट नहीं करेंगे क्या मैं तो मर गई ठीक है मैं तो मर जाऊंगी तो मेरे को मरना नहीं है इसलिए अपन ऐसे करके नहीं ले सकते क्योंकि अपने सिरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक बॉम्बे ब्लड ग्रुप बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए सब पढ़े ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में